हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हमारे साथ हैं नबीहा, जिन्होंने एनएलयू जोधपुर से एलएलएम किया है, और आज हम कोशिश करेंगे कि उनकी इस प्रिपरेशन जो उन्होंने करा, जिसके थ्रू वो एनएलयू जोधपुर में एलएलएम करी है, तो उस टाइम क्या सीख सकते हैं, और आप लोग अपने एग्जाम्स में जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे क्या क्या चीजें लेके आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेलकम नबीहा इन क्लैट पॉइंट। सबसे पहले मैं नबी आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि कैसे आपने कॉलेज और अपनी इस प्रिपरेशन को मैनेज किया, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो फिफ्थ ईयर से प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं या उसी समय अंदाजा लगाते हैं कि हमें करना है, तो कैसे आपने मैनेज किया ये? मानवेंद्र, तो वेरी ऑनेस्टली आई डिड नॉट एम फॉर क्लैट एलएलएम फिफ्थ ईयर से, ये सीन नहीं था। तो आई डिड इट ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, विच इज I think most of the you know people doing their masters is during this COVID. और उधर ही हम लोग का पूरा जो ये pattern था वो change हुआ था, which I felt very nice, क्योंकि ये पूरा का पूरा judgment based हो गया था, judgments पे. Now it sounds very vast. Sound कहता है कि judgments like कब से कब तक, Supreme Court, High Court, and then Supreme Court का ही ले लें तो there are just so many. So the point is ki hamesha in every paper what we should keep in mind is ki koi bhi examiner aapse latest cheez puchega. Yes, there will be questions from extremely landmark judgments jo hum log ke hain, like Keshav Nanda Bharti or Bachchan Singh, bilkul honge, magar 60% paper aapka hamesha nayi cheezon pe constitute karega. So agar you have not prepared pehle se, which I did not, so there's no point in you know focusing more on the judgments jo pehle ke hain. And these landmark judgments, see, hum logon ne apne constitution padhte time LLB mein ya IPC padhte time, we have studied them. Jaise aaj ki tarikh mein agar Lalita Kumari le lein, to we have studied it in CRPC. You'll not be lost. Aur तो एंड ऑल्सो वी शुड कीप इन माइंड कि मान लो ललिता कुमारी पे वो दिया गया, सो एक पैसेज दिया गया ललिता कुमारी के जजमेंट से, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, और उससे सवाल पूछे गए. नाउ यू हैव नॉट रेड द जजमेंट, ठीक है, पर जो पूछा जाएगा वो लॉ ही तो पूछेंगे, वो क्या पूछेंगे, वो सीआरपीसी से ही तो पूछेंगे. इवन इफ वो बात जजमेंट में की गई है, आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या कोट अनकोट क्या है, बट आपको कोट अनकोट करने को कहा भी नहीं जा रहा. व्हाट यू आर बीइंग आस्क्ड इज द लॉ. तो जब भी कोई क्वेश्चन आए एंड यू सी के ओ आई डिड नॉट रीड दिस जजमेंट, नो नीड टू पैनिक, इट्स ओके, दे आर स्टिल आस्किंग यू लॉ. ऐसा नहीं है कि वो तुमसे यू नो कुछ फ्रेंच पूछने लगे, नहीं, इट्स स्टिल लॉ. सो इट्स ओके इफ यू हैवंट प्रिपेयर्ड, यू नो द लॉ, सो बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. अगर टाइम कम है, जजमेंट्स पहले से नहीं पढ़े हैं, लीव द ओल्ड जजमेंट्स, जो इंटरेस्ट हो जिसमें पढ़ लें बिल्कुल, but focus on the new ones. And as a law student, and especially kyunki fifth year ke baad ka hota hai, so live law is something we follow, bar and bench live law, whoever follows whatsoever, but itna dhyan hum log rakhte hain ki kya judgment chal raha hai. And also we should just take a focus ki for example jo election commission se related judgments hote hain, if you see there are series of judgments on election commission, election commissioner, jo bhi, lekin usse itne sawal nahi aate hain. So what happens is ki log usse bahut time dete hain, par aayega kya, at max jo sabse naya judgment hoga wo. So don't waste time on things which are not asked, important lagti hain, hoti hain, lekin question nahi aata. Jaise hum traditional padhte rehte the us pe jagah jo naya जो नया है, बिकॉज क्या जानना चाहेगा कोई भी इंसान कि डू यू नो द डेवलपमेंट विच द लॉ इज गोइंग थ्रू, दिस इज व्हाट एवरी एग्जामिनर वांट्स टू नो. सो नो योर एग्जामिनर फर्स्ट एंड द एग्जाम द नेक्स्ट, यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो एटलीस्ट आई डिड दैट. कोई बहुत थरो प्रिपरेशन की बात नहीं होती है, यू शुड नो द बेसिक लॉ एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, दैट्स वेरी सिंपल. ठीक है, तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे नबीहा ने बोली है. दूसरा मेरा आपसे ये पूछना है नबीहा कि कॉलेज के एग्जाम्स भी थे होंगे, रहे होंगे जब तुमने तैयारी करी होगी, तो मतलब हम लोगों से तो वही नहीं संभलता था, तो साथ में एलएलएम की प्रिपरेशन कैसे देखा, मतलब कैसे मैनेज करा? जैसे एक मतलब बहुत ये स्टूडेंट्स अभी जैसे मेरे अभी जो हमारे बैच में है स्टूडेंट्स हैं जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों का भी रहता है कि सर क्लासेस भी हैं, कॉलेज भी है, तो सिलेबस तो देखो ऐसे देखने में तो सेम लगता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है इसके लिए भी और उसमें भी है,
लेकिन यहाँ पे केस लॉस पे थोड़ा सा जैसे तुमने खुद ही बोला, तो क्या आप कैसे मतलब इसमें आप गाइड करेंगे कि क्या अप्रोच रहना चाहिए? जैसे जो बहुत सारे लोग फोर्थ ईयर से आजकल सीरियस हो गए हैं, थर्ड ईयर से हो जाते हैं, जो लोग कहीं से नॉर्मल एलएलबी करते हैं वो लोग भी आजकल टारगेट करते हैं क्लैट एलएलएम, तो ओवरऑल सभी के लिए आपका क्या रहेगा कि जैसे जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं आप उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत है कि क्लैट के लिए, या फिर अगर आपको लगता है कि मैंने कॉलेज में अच्छा किया था तो छोड़ सकते हैं? ब्रशिंग अप इज ऑलवेज गुड, सो आई विल नॉट से कि नहीं कुछ नहीं करो, अपने बेसिक्स पे ध्यान दो. सो अगर बेसिक्स स्ट्रांग है एल एल बी के टाइम पे, इफ यू नो एग्जैक्टली कि चार्जशीट कब फाइल होती है, किस सेक्शन में फाइल होती है, इफ यू नो कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में होगा कि ये नॉन कॉग्निजेबल में होगा, डिफरेंस पता है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल अवेलेबल नॉन अवेलेबल, दिस आर वेरी बेसिक थिंग्स. अगर वो अच्छे से किया है देन यू कैन ऑलवेज ब्रश देम अप, उसमें टाइम नहीं लगेगा, इट विल नॉट टेक टाइम. एंड ऑलवेज ट्राई टू गो थ्रू द बेयर एक्ट और द ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक्स. जो इंटरनेट का मटीरियल है इट्स वेरी गुड, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट गुड, लेकिन वो कभी भी आपका प्राइमरी सोर्स नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट दैट इज व्हाट आई सी. क्योंकि नेट पे ओपिनियंस कम, देयर कैन बी ओपिनियंस, जो इंसान लिख रहा है उसके ओपिनियंस होंगे, बट जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो ओपिनियन बेस्ड नहीं होती हैं. सो यू गेट द ग्रास्प ऑफ द बेसिक्स, वो ले लो. अब बात यह है कि अगर आप एलएलबी कर रहे हैं देन हाउ डू यू मैनेज योर एलएलएम, कुछ खास नहीं करना है, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो सही से, लिसन टू द टीचर, दे गिव यू बेसिक्स, आके उस चीज को रीड कर लो. क्योंकि अगेन द सेम थिंग, आएगा तो लॉ ही, पूछा तो वही जाएगा. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट लॉ आई पर्सनली फील इज दैट लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस. जहां पे नहीं याद आए ना कि यार ये कहाँ पढ़ा था, फॉरगेट इट. Think as a common citizen, as a common sense वाला person, क्या होगा इसके बाद, क्या किया जाएगा, you know, क्या होना चाहिए. Many questions in law वो सिर्फ common sense based होते हैं and you do not actually need to know the exact textbook language. So उसका strain लेने की जरूरत नहीं कि हम अलग से क्या prepare करें. Go for MCQs. आप MCQs जितना ज्यादा practice कर पाए उतना अच्छा है. When you're being taught, तो समझ में आता है जब पढ़ाया जाता है कि यार ये वाला जजमेंट इज इम्पॉर्टेंट. सो ट्राई टू गो होम एंड रीड दैट जजमेंट. अगर वो बहुत लंबा है, सी देयर इज अ थ्रेशोल्ड, एवरी पर्सन का देयर इज अ थ्रेशोल्ड, दे कैन गो थ्रू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस. तो पूरा का पूरा जजमेंट पढ़ा भी नहीं जाता. रीड द इनिशियल पार्ट, बीच में आके देखो कि ओके दिस इज इम्पॉर्टेंट. मेनी अ टाइम्स हम लोग के जजमेंट्स में सिर्फ और जजमेंट्स कोट किए जा रहे होते हैं, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट गेट द क्रक्स एंड मूव ऑन. अगर 100 पेज का जजमेंट है, यू डू नॉट हैव टू रीड द 100 पेजेस. और एमसीक्यू रीड द इनिशियल्स, बीच में देख लो कि क्या है. या एंड एंड जो होता है ना, जहां पे वो लिस्ट डाउन करते हैं प्रिंसिपल्स, दैट्स इम्पॉर्टेंट. सो जो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ जजमेंट्स होता है उससे डरने की जरूरत नहीं है. अगर कोई जजमेंट ऐसा है वे यू थिंक कि दे आर यू नो थ्रू एंड थ्रू टॉकिंग अबाउट थिंग्स विच आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, देन वॉट यू कैन डू इट आई वुड सजेस्ट, हमारे पास इतना टाइम नहीं था बट आई कैन रियली से कि और लोग कर सकते हैं, ये सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे दिए होते हैं, दे आर दी ओरिजिनल जजमेंट्स, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है. लाइव लॉ पे मिल जाता है ग्रेट, बट लाइव लॉ आई थिंक 2014 से पहले के जजमेंट्स उस पर इतने नहीं मिलेंगे क्योंकि वो खुद ही 2014-15 में आए हैं. So go to the, you know, main source, Supreme Court की website. वहां पे you get all the judgments. जो judgment चाहिए उसका वो कर लो download. उसमें जो जो important लग रहा है copy करो वहां से and paste it on a word document. क्या है कि जब revise करना होगा तो फिर क्या, फिर पूरा judgment खोल रहे हैं? नहीं. You just have to see that word document जो maximum 2-3 pages का होगा. If your judgment is running into more than 50 pages, so what you will get for exam as essential is just 2-3 pages. So you know, एकदम से volume cut हो जाता है चीज का, एकदम से हमें आता है कि अरे ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत easy है. So go for it. इस तरीके से करें तो वो with LLB आराम से मैनेज होगा. In fact आपके LLB के answers भी बेहतर होंगे. Because when you know the judgment जो आप quote करके आ रहे हैं, आपने पढ़ा है, you know you have been through the judgment, तो आपके LLB के answers भी improve होंगे. So there is no conflict between this preparation. It's a same process. आप उसको थोड़ा सा lengthy कर देते हो तो आप LLM के लिए भी prepare हो जाते हो and you have a better, you know, score in LLB as well. So that's the thing. ऐसा बिल्कुल ना समझे that there's a conflict. They are in
यू नो इन सीक्वेंस टू ईच अदर। ठीक है, तो नबी आपने जैसे सोर्सेज यहाँ पे कुछ बताया, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, लाइव लॉ, इसके अलावा भी कुछ अलग से अपने एलएलएम के लिए कोई बुक बुक लिया था या कुछ भी ऐसा? आई डिड नॉट, बिकॉज द रीजन बीइंग कि उसी टाइम पे वो चेंज हुआ था पैटर्न, सो देयर वाज नो पॉइंट टेकिंग अ बुक। ऐसे मैं बता देता हूँ, आप लोग ये मत सोचिएगा कि नबीहा ने नहीं लिया तो आप लोग भी ना लें, क्योंकि शी वाज क्वाइट ब्रिलियंट। एग्जैक्टली, बट आप जो है वो पैटर्न सेट हो गया है, यू हैव दोस, मतलब हम लोग का ही पेपर था, सब था, बहुत सारी बुक्स आ गई हैं, एज मेनी एमसीक्यूज एज यू सॉल्व इट्स बेटर। एक तो कॉन्फिडेंस आता है, दूसरा सॉल्व करते करते बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं एग्जाम में भी, एंड थर्डली यू आर एबल टू गेस बेटर। एक ये चीज हो जाती है वंस यू सॉल्व एमसीक्यूज एज मेनी एमसीक्यूज एज पॉसिबल, तो मतलब देयर इज अ नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस एंड दैट मॉक टेस्ट, आप जो मॉक होते हैं वो आप देने की कोशिश, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जो टाइम लिमिट में किया जाता है, द टाइम लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन वी सिट एंड सॉल्व एमसीक्यूज, चार एमसीक्यूज किए, पानी पीने जा रहे हैं, फिर पांच एमसीक्यूज किए, अब नींद आ रही है, सो यू नो देयर इज नो कंसिस्टेंसी, एंड देन देयर इज नो चेक कितना सही किया कितना नहीं किया, पीछे से आंसर देख लिया, देयर इज There are things which everybody does. वाले माहौल में ढलना बहुत जरूरी है। Yeah, with mock, you know कि मतलब जब आप examination hall में बैठोगे, you won't feel anything new. That anxiety, that examination anxiety, वो कम हो जाती है। So the mocks are the best things. Mocks तो जितने दो उतना better है। ठीक है, और नबिया जैसे लास्ट ईयर इन्होंने कहा था कि ये लोग essay writing भी कराएंगे, दो मतलब दो पेपर में लेंगे, एक MCQ, एक essay writing. बट अभी इन्होंने ऐसे हटा दिया था, तो ऐसे राइटिंग अगर कल को आ भी जाता है तो उसके लिए किसी को टेंशन लेने की जरूरत है? वैसे तो चांसेस है नहीं आएगा, बट अगर आ भी जाता है तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसी से रिलेट करके आपको पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसे राइटिंग में बेसिकली वो पूछते क्या थे, जो करंट अफेयर्स में चीजें चल रही थी उससे रिलेटेड ऐसे पूछते थे, तो न्यूज़पेपर की कितनी इंपॉर्टेंस है आपको ये लगता है कि इस प्रिपरेशन में, और आपको कितना फायदा हुआ अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे या द हिंदू या कोई भी न्यूज़पेपर जो अच्छा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि एज ए लॉ एस्पिरेंट भी न्यूज़पेपर हम लोगों के लिए कितना जरूरी है, और क्लैट एलएलएम की प्रिपरेशन के लिए भी आपको क्या लगता है कि कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? आई थिंक न्यूज़पेपर इज वन थिंग कि जितना एम्फेसिस करें उतना कम है, एंड ऑल्सो बिकॉज मानवीय, आई थिंक इवन यू वुड हैव नोटिस कि रिसेंटली द न्यूज़पेपर्स हैव स्टार्टेड कवरिंग द लीगल न्यूज अलॉट, हर दूसरे दिन जो फ्रंट पेज पे फोटो होती है वो अपने सुप्रीम कोर्ट की होती है, so you know the legal news is being covered a lot, and agar subjective aa jata hai to the newspaper will help the most, because tab kya hoga, you have read the news, you have read the opinions jo editorials hote hain, and har tarah ki opinions padhne chahiye, you are able to formulate a better opinion and you are able to write better you have to read better, there is no other way, acha likhne ka there is no other substitute, you have to read better, that's it. So newspaper to matlab you have to read it every day, the editorials, the front page, city wala obviously you can leave, international affairs or something, again jisko jo interest kare, international affairs and sports, so wo theek hai, halanki ab sports se questions aane lage hain in many many exams, so I would say ki sports ko bhi nahi, UPSC ne is baar bahut sare question pooch liye the, UPSC ne is baar de diya tha, the aspirants were really surprised. So yes, I mean, and then Olympics mein ta acha hua hai abhi India ka. So sports is picking up. So agar koi bhi cheez news mein hai, and if you're reading the newspaper, you're bound to know it. Also as a lawyer, as a law student, as an aspirant, you have to know ke news kya chal rahi hai. It makes you aware. And then kuch bhi paper mein dikhega na, to koi bhi term naya nahi lagega. The more confident you are, you know, the better you'll perform, and the more you know, the more confident you are. So newspaper to padhna hi padhna hai, and uske editorials padhne hi padhne hai, especially agar subjective aa jata hai, it will be a cakewalk for people who are in a habit of reading newspapers to do the subjective part. So matlab wo to naye se hi aata hai, hardly kya de denge, agar static pe de diya, let's say plea bargaining दे दिया, capital punishment दे दिया, तो ये बहुत कम होता है, and these are things we know, law करते करते इतना तो समझ ही आ जाता है that what we have to write, what judgments we have to write, but mostly it's about the current, and current affairs के लिए तो newspaper is the source, मतलब
that is actually something कि जितना भी हम लोग focus कर रहे हैं उतना कम है. Please read the newspaper daily. ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर के लिए नबीहा ने बोला. मेरा एक और बहुत ऐसा बच्चों का मतलब स्टूडेंट्स का कॉमन डाउट्स होता है कि स्कोप क्या है मतलब क्लैट एलएलएम का. जैसे बहुत आजकल अब तो बहुत ज्यादा क्राउड हो रहा है, बट इस ईयर साल से हो गया कि 2 साल का हो गया है, तो बहुत सारे लोग ना इस चीज के लिए परेशान हो रहे हैं कि 2 साल हो गया, पहले 1 साल था. लेकिन इसको ऐसे देखा जाए तो ये तो अच्छा ही हुआ ना कि आपको पहले 1 साल पढ़ने को मिलता था, आपको वही चीजें 2 साल में मिलेगी, तो आप और ज्यादा ग्रोथ करेंगे. तो ओवरऑल तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है क्लैट एलएलएम का, और क्या लगता है कि क्या स्कोप रहता है इसके बाद, क्या पर्सपेक्टिव और डेवलप हो जाता है? और जैसे बहुत सारे लोग आज की डेट में नॉर्मल एलएलबी करते हैं, वो क्लैट में नहीं हो पाते हैं, किसी दूसरे कॉलेज में होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्लैट एलएलएम का ये पेपर, जिससे कि वो एनएलयू में जा सके. तो उन सबके लिए क्या कहना चाहती हो नबीहा, कि मतलब क्या है उनका एडवांटेज यहाँ से, और एक्चुअली में मतलब एनएलयू का और जो नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि एलएलएम करने से क्या लोगों को फायदा हो सकता है? राइट, सो एलएलएम, सी जस्ट लाइक एनी अदर फील्ड, इफ अ पर्सन हैज डन मास्टर्स इन द फील्ड, जो सामने वाले का व्यू पॉइंट होता है ना वो बदल जाता है. दे फील ओ मास्टर्स किया है, दैट्स अ वेरी फर्स्ट एडवांटेज आई वुड से. यू आर परसीव्ड टू बी मोर इंटेलिजेंट, तुम हो ना हो सीरियसली कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर यू आर जस्ट परसीव टू बी मोर इंटेलिजेंट. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग, कि अगर यू आर पुटिंग योर सीवी इन एनी प्लेस एंड यू हैव डन मास्टर्स, यू हैव एन अपर हैंड, क्योंकि यू हैव डन मास्टर्स बाय क्रैकिंग एन एग्जाम फर्स्टली, देन यू हैव सक्सेसफुली डन अनदर डिग्री इन लॉ, सो यू नो इट एड्स अप अ लॉट टू योर सीवी. फिर चाहे वो फर्म्स हो, दे वॉन्ट कि आपका एक्सपर्ट एरिया क्या है. And that can be anything, whichever thing interests you, go for it. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ITR ही कर रहे हैं या you know corporate ही कर रहे हैं या criminal law ही कर रहे हैं, whatever interests you, go for it, क्योंकि it is bound to add to your CV. चाहे आप firm में करें, and even I don't know how many people know about it, but even people who want to do judiciary. So actually में the pay is different for people who have done masters and who have not done masters. So after selection in judiciary भी फर्क पड़ता है. Not only do you get your a time for preparation, agar 2 saal ka ho jata hai, like you said, to kya hai? You are getting more time to prepare, right? So, ek wo advantage hai, and then once you are done with your masters, you will actually get a better pay scale. So, not just firms, not just any chamber, advocate chamber, but also judiciary. Hamesha. LLM ka ek ye rehta hai na, iske saath taboo ki aap sirf teaching ke liye jana hai, to karna hai. Kya iske baad law, matlab jaise tumne bola firms and all, to ye aspect khula rehta hai matlab logo ke liye, agar wo LLM karke law firms and isme jana chahe. That's a very common question. Manvendra, it's a very common question ki acha masters kya hai, to teaching mein jana hai. बट एंड द फैक्ट इज कि आपके पास एक बहुत ही उमदा बैकअप प्लान हो जाता है टीचिंग का. मोस्ट ऑफ द पीपल एंड दे शुड, कि अगर एक बार मास्टर्स दिया है, दे डू गिव यूजीसी नेट ऑल्सो, एंड ऑब्वियसली दैट मेक्स सेंस. इफ यू आर डूइंग योर मास्टर्स, यू डू गिव नेट. जरूरी थोड़ी है कि यू गो इन टू टीचिंग, बट व्हाट्स द हार्म इन हैविंग अ बैकअप प्लान, स्पेशली इन अ फील्ड लाइक लॉ, विच वी नो कि एक स्टेबिलिटी बहुत टाइम बाद आती है. So you have a nice plan, and up to guest faculty aati hai, they teach, and you can be a guest faculty and a practicing lawyer. So again, I mean, rather than a taboo, let's take it as an advantage ki yes, you know, I have a good plan B. And even अगर आपको सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करनी है तो भी it's great for your sustenance. जैसे लोग ना प्रिपरेशन की बात करते हैं कि हम जुडिशरी की तैयारी करेंगे तो हम एलएलएम की तैयारी क्यों करें या 2 साल एलएलएम क्यों करें, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक बहुत अच्छा माहौल मिल जाएगा अगर वो हॉस्टल में जाके रहेंगे, और एलएलएम का तो काफी फैसिलिटीज भी मिलती है, तो आप वहां पे जाके आपको तैयारी के लिए भी समय मिल रहा है, प्लस आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से डिग्री भी प्राप्त कर रहे हैं, सीखने को भी मिल रहा है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है. बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है. एंड यू नो मानवीन, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एलएलबी एंड एलएलएम व्हिच आई फेल्ट. जो पर्सपेक्टिव होता है पढ़ने का, इट चेंजेस सो मच. सो देयर इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑफ पीपल कि मास्टर्स इन बुक कौन सी लें, एंड ट्रस्ट मी, एवरीबॉडी विल टेल यू द सेम थिंग, हूएवर हैज डन मास्टर्स और हूएवर इज टीचिंग मास्टर्स एनीवेयर, देयर इज नो बुक इन मास्टर्स. I have done my master's from IPR and I don't have a single book of IPR. I just have the bare act.
बिकॉज वॉट यू रीड इज द पेपर्स, जो जर्नल में पेपर्स होते हैं, बिकॉज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो होती है वो इतनी ज्यादा बढ़ाई जाती है, इतनी ज्यादा उसको पुश दिया जाता है. आई मीन वी वर नॉट अलाउड टू मेक प्रोजेक्ट्स ऑन टॉपिक जिसपे दो पेपर लिखे होते थे. इफ द टीचर हैज रेड टू पेपर्स ऑन एनी टॉपिक, यू वर नॉट अलाउड टू टेक दैट टॉपिक फॉर योर असाइनमेंट. जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग वी हैड टू गो थ्रू. सो हाउ विल दैट नॉट हेल्प यू? अगर आपका होराइजन बढ़ रहा है तो इट इज बाउंड टू हेल्प यू इवन इन जुडिशरी, क्योंकि वहां पे क्या होगा कि जो सेकंड स्टेप है वो सब्जेक्टिव है ना. योर आंसर्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम द आंसर्स ऑफ द अदर पीपल. इस चीज की ट्रेनिंग आपको 2 साल मिल रही है, एंड ये चीज LLB में नहीं होती है, बी एट विच एवर कॉलेज ये चीज नहीं होती है. बिकॉज उस टाइम पे आपको लॉ सिखाया जा रहा होता है, लॉ के बाहर सोचना नहीं सिखाया जा रहा होता है. सो यू नो दैट्स द एडवांटेज ऑफ इट. ठीक है, तो यहाँ पे काफी बात हो गई है नविया से. लास्ट में नविया, बस इसको सम अप करते हैं, और कोई भी आपको जो लगता है कि ये चीजें करनी चाहिए, 4-5 चीजें जो तैयारी में, या फिर ऐसे नॉर्मल हम जुडिशरी की भी तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए जो 5-6 बेसिक चीजें आपको लगती हैं और क्लैट LLM के प्रिपरेशन के लिए आपको लगती हैं, तो आप प्लीज सजेस्ट करिए जो भी आपको मतलब लगता है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मिस नहीं करना चाहिए. एक जैसे कि अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि केस लॉ, जैसे द हिंदू में कुछ भी नया निकल के आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कह दिया है तो लोगों को याद भी नहीं रहता है, तो कुछ उससे रिलेटेड भी ट्रिक बता सकते हैं आपकी केस लॉज, और कैसे लोगों को इतना सारा संभाल के रखना है, दिमाग में रखना है, क्या मतलब आपका इस पे वो? See, for that I would say that everybody can maintain a small register. You don't need to write the judgment, just write the name of the judgment, जो केस था, not of the judgment, sorry, the name of the case, and जो important points थे judgment के. ठीक है, सो वेन यू आर गोइंग फॉर द एग्जाम यू कैन जस्ट पिक अप दैट कॉपी और रजिस्टर, रिवाइज इट, वो याद आ जाएगा. जब आपने खुद से अपने हाथों से लिखा होता है वो याद आ जाता है. हाँ, अगर हम लोग पढ़ के उसको छोड़ देंगे या उसको बुकमार्क करके छोड़ देंगे, विच इज लाइक द फेवरेट हैबिट, इवन आई डू इट, बुकमार्क करके बाद में पढ़ेंगे, वो बाद कभी नहीं आता. वो बाद मतलब यार, वो बाद हमारा भी नहीं आया आज तक, यू नो दैट सो मेनी बुकमार्क्स में नहीं आता. रीड इट एंड राइट द क्रक्स, नाम लिख लो उस जजमेंट का, सो यू नो इट्स देयर, एंड व्हेनेवर यू विल गो बैक थ्रू इट यू विल रिकॉल इट एंड इट विल फिक्स इन योर माइंड, क्योंकि आपने वो अपने हाथों से लिखा है. टेक्नोलॉजी इज ग्रेट, बट व्हेन यू जस्ट रीड इट और यू टाइप इट, वो आपके दिमाग में नहीं जाता, व्हेन यू राइट इट आपके दिमाग में जाता है. सो दैट वुड बी द फर्स्ट पॉइंट कि इतने सारे जजमेंट्स होते हैं, हाउ टू गो अबाउट इट. सेकेंडली, बहुत सारे जजमेंट्स रेपिटेटिव होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 482 CRPC पे आई थिंक 5-6 वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स लिखी जा सकती हैं सिर्फ जजमेंट्स जो आए उस पर. दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, नोबडी इज सेइंग एनीथिंग न्यू. सो अगर कुछ नया बोला जा रहा है किसी जजमेंट में तो वो इम्पॉर्टेंट है. हर जजमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है. आई मीन ऑब्वियसली यू कैन गो थ्रू इट, आपका लॉ रिवाइज हो जाता है उससे, बट हर जजमेंट नहीं इम्पॉर्टेंट है. जो जजमेंट नया बता रहा है वो इम्पॉर्टेंट है. सो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, एंड डोंट वेस्ट टाइम ऑन जजमेंट्स फॉर रिपीटिंग द सेम थिंग. एंड देन मतलब बाकी के जो पॉइंट्स, आई थिंक मोस्ट ऑफ इट वी हैव कवर्ड. कुछ भी मतलब जो तुझे लास्ट में ऐसा लगता है कि क्लैट LLM के लिए ये आपको करना ही करना है, कोई भी ऐसी बात अगर. बी अवेयर, आई वुड से, इफ आई वुड पुट इट इन वन थिंग, प्लीज बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड यू, नॉट जस्ट द लीगल नॉलेज, द सोशल एस्पेक्ट्स, द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स. इट्स इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है. जो हम लोग का क्वेश्चन पेपर था उसमें एक्चुअली में कुछ सवाल आए थे जो कि न्यूज से थे, दे वर नॉट लीगल न्यूज, इट वॉज यू नो जनरल न्यूज. दो सवाल दे दिए थे उन्होंने उससे, बिकॉज वो आपकी अवेयरनेस चेक कर रहे हैं. इफ यू आर नॉट अवेयर देन यू कैन नॉट बी अ गुड लॉ स्टूडेंट, लॉयर, जज, एनीथिंग. सो प्लीज बी अवेयर, रीड एज मच, एंड मेक श्योर द लॉ इंटरेस्ट यू, बिकॉज लॉ इज इंटरेस्टिंग, यू नो. सो जस्ट बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड यू, एंड ऑल्सो Try to dig in things. ये है तो क्यों है, ऐसा होता है तो क्यों होता है, ये बोला तो किसने बोला. So these are the things which I would say कि अगर ये कोई इंसान कर रहा है first attempt में, you will break through. It's not difficult. Trust me, it's not difficult. बहुत बच्चे बैठते हैं, that's true. But be aware and मतलब it will be a cakewalk. कुछ लोग तो ऐसे भी देते हैं ना, तो उसको काउंट ही नहीं करना चाहिए कॉम्पिटिशन में. आप मेहनत करेंगे तो ऐसे भी आप उसमें रहेंगे. Exactly. So, and वैसे भी ना पूरा, it's a whole process, any exam, it's a whole process.
एक साल में बैठ के या 6 महीने में बैठ के होता है, बिल्कुल होता है, बट एक होलसम डेवलपमेंट अगर आपका हो रहा है देन यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम. अगर सिर्फ आप पिन पॉइंटेड चीजें पढ़ रहे हैं कि बस हो जाए एग्जाम, देन अदर पीपल हैव अ नॉच अबव यू, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. तो ठीक है फिर, सभी आप लोगों को आई होप चीजें समझ में आई हो जो नबीहा ने आप लोगों से कहने की कोशिश करी है. और क्लैट एलएलएम की प्रिपरेशन जो है वो आप सभी लोग, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कमेंट करिएगा, तो नबीहा एंड मी विल ट्राई टू आंसर उसको कमेंट सेक्शन में. और सभी लोग तैयारी करिए, मेहनत करिए. थैंक यू नबीहा आपका समय हम लोगों को देने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. तो थैंक यू सो मच गाइज. जय हिंद, जय भारत.